उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश कहर बनकर बरस रही है। कुमाऊं में बारिश के कारण मलबे में दबकर अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार सुबह नैनीताल जिले के रामगढ़ में धारी तहसील में दोशापानी और तीशापानी में बादल फट गया। इस दौरान मजदूरों की झोंपड़ी पर रिटेनिंग दीवार गिर गई, जिसमें 7 लोग दबकर मर गए, जिसमें हयात सिंह और उनकी माता के शव बरामद किए गए हैं। उधर खेरना में झोपड़ी में पत्थर गिरने से 2 लोगों के मौत की खबर है। अल्मोड़ा के भिकियासेण में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया। इस दौरान 2 बच्चे मलबे में दब गए, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। उधर गर्म पानी में भारी बारिश के चलते हाईवे के निर्माणाधीन कंपनी के 2 मजदूरों की टीन शेड में आए मलबे से दबने से मौत हो गई। हादसे में 40 साल और 34 साल के 2 युवकों की मौत हो गई है। यूपी के वो रहने वाले थे। उधर हल्द्वानी में गोला नदी उफान पर आने से नदी पर बना अप्रोच पुल टूट गया, जिसके कारण वहां आवाजाही बंद हो गई। नैनीताल में भारी बारिश से कई जगह पर पानी घुस गया। रामनगर में एक रिजॉर्ट में 100 लोग फंसे हुए हैं। हरिद्वार में भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है गंगा। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर आरती स्थल डूब चुका है। केदार घाटी में भी बारिश हुई है। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर प्रदेश में बारिश से हुए नुकसान और संचालित बचाव और राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने प्रदेश को हर आवश्यक सहयोग देने के प्रति आश्वासन दिया। शासन प्रशासन ने पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को कहा गया है कि आप जहां हैं वहीं रहें। उधर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ फोन पर बात कर प्रदेश में फंसे हुए गुजरात के तीर्थयात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया।